क्यों पवन सिंह के फैंस बोलबम के दूसरे गाने में उन्हें धोखा दे दिए। जी हाँ, पवन सिंह का जलधारी करें पवन और रानी का जो वीडियो आज वेब म्यूजिक पर सुबह 6 बजे ही रिलीज हुआ, उसे अब तक यानी कि 8 घंटों में 481,000 सिर्फ व्यूज मिले हैं। जबकि पवन का ये गाना काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सूदिंग लग रहा है सुनने में। और इस गाने में प्रियंका सिंह ने पवन सिंह का साथ दिया है, अरुण बिहारी ने इस गाने को लिखा है। लेकिन इस गाने को अगर आप देखेंगे तो अभी भी व्यूज़ वाइज काफ़ी कम है और लाइक्स वाइज भी काफ़ी कम है। इस गाने को उतना पसंद नहीं किया जा रहा है। इसके ऑडियो को पसंद किया गया था लेकिन इसके वीडियो को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जबकि इसके पहले रानी और पवन का जो वीडियो साड़ी पर का फ़ोटो रिलीज़ हुआ था उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन वो एक दिन में ही उस वीडियो को टेकडाउन नोटिस, फेक टेकडाउन नोटिस मिला, जिसकी वजह से वो वीडियो एक दिन के लिए YouTube से हटा दिया गया। फिर उसे वापस ला दिया गया लेकिन अब उसके भी व्यूज़ उतने नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि एक साथ पवन खेसारी, रितेश पांडे इन सब के कई वीडियोस निकल रहे हैं, इस वजह से दर्शक काफ़ी कंफ्यूज हैं कौन सा देखे कौन सा नहीं। लेकिन लोगों को पवन की गानों से खास उम्मीदें रहती हैं कि पवन का गाना कुछ न कुछ तो बवाल आते ही मचाएगा। ऊपर से रानी चटर्जी की जोड़ी है जो लोगों को काफ़ी अच्छी भी लग रही थी इन दिनों, न जाने लेकिन क्या हुआ कि इस गाने को लोग व्यूज़ वाइज काफ़ी कम व्यूज़ मिले हैं। लेकिन अभी काफ़ी घंटे बाकी हैं, हो सकता है ये वीडियो उभर कर आए, लोग इसे पसंद करें और मिलियंस में व्यूज़ आए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये कहना चाहेंगे काफ़ी कम व्यूज़ है और पवन सिंह के फैंस ध्यान दें ताकि ये गाना भी पवन के और गानों की तरह हिट हो जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।